हेलो फ्रेंड्स, इंडियन टैलेंट यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी का आंसर की जो जारी होने वाला है उससे संबंधित हम कुछ न्यूज आया है, उस न्यूज़ को फ्रेंड्स जानते हैं। जानने से पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की जब भी न्यूज़ लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए फ्रेंड्स। तो आपको आज हम बता दें कि आज का जो न्यूज है आंसर की जारी करने का डेट आ गया है और आप लोग पहले से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा ना हो कि एएलपी और टेक्नीशियन में बहुत सारे बच्चे अपने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए थे, तो इस बार भी ग्रुप डी में ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग पहले से ही तैयार रखेंगे। देखते हैं कि किस पेपर में ये न्यूज आया है कि इसका आंसर की कब जारी होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यह न्यूज जनसत्ता अखबार में आया है फ्रेंड्स। इसको देखते हैं, दिया हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी आंसर की रिजल्ट 2018 डेट आरआरबी जारी करेगा। आंसर की रिजल्ट भी जल्दी आएगा सामने। यहाँ पर देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2018 डेट आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 डेट ग्रुप डी की भर्तियों में करीब 1.89 करोड़ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके लिए 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक देश के अलग अलग शहरों में कंप्यूटर आधारित सीमिटी आयोजित की गई थी फ्रेंड्स। देखते हैं कि और क्या दिया हुआ था इसमें, क्या दिया हुआ है कि रेलवे स्क्रूटी बोर्ड डी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की अच्छी खबर है। परीक्षा के आंसर की जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में रिलीज कर दी जाएगी फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, आज से करीब 10 दिन के बाद आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप डी का आंसर की आ जाएगा। ग्रुप डी की परीक्षा के परिणाम स्वरूप आखिरी हफ्ते तक जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि ग्रुप डी का आंसर की तैयारी की जा चुकी है, लेकिन त्योहारों की वजह से रिलीज करने में समय लग रहा है। यह जानकारी आरआरबी के वरीय अधिकारी अंग राज मोहन द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस महीने क्रिसमस और नए साल की छुट्टी की वजह से आंसर की अभी जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी के आंसर की जनवरी के पहले हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। हाँ जी फ्रेंड्स, जो ग्रुप डी के आंसर की कब जारी होगा, जो जनवरी के पहले हफ्ते में जारी हो जाएगा फ्रेंड्स, और नतीजे आखिरी हफ्ते में घोषित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आंसर की परीक्षा में दिए गए जवाब का मिलान कर सकेंगे। हाँ जी फ्रेंड, ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में करीब 1.89 करोड़ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके लिए सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक देश के अलग अलग शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी आयोजित की गई थी। तो आंसर की का रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी अब जनवरी के पहले आखिरी वीक में रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर की से अभ्यर्थी कर सकेंगे मिलापन, यानी ये भी दिया हुआ है कि आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी प्रश्न पत्र से परीक्षा में दिए गए जवाब का मिलान भी कर सकते हैं। साथ ही किसी तरह की आपत्ति होने पर समय रहते उसे दर्ज भी करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए निश्चित समय भी दिया जाता है। इसके बाद गलत प्रश्न का जवाब की ओर ध्यान दिलाने का कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आप जब भी इसका आंसर की जारी होता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी होगा, तो आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पर डाउट लगे आप सारे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आपके क्वेश्चन पे विचार नहीं किया जाएगा और आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। जैसा कि एएलपी और टेक्नीशियन में हुआ था कि ऑब्जेक्शन का डेट निकला हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का छूट गया था क्योंकि लिंक सर्वर डाउन हो गया था, लिंक बहुत स्लो चल रहा था। इसलिए जब आंसर की जारी हो तो तुरंत ही आप लोग क्या कर दीजिएगा, ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर ये जानकारी आपके लिए अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हम इस तरह की पल जॉब से रिलेटेड खबरें जब यूट्यूब पर डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए फ्रेंड्स। साथ में हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जितने भी सीबीटी 2 पार्ट ए का जो जितने भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू बीबीआई क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स। अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स।